न्यूज़, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, झामुमो ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। बुधनी में शिवराज के पुत्र कार्तिकेय ने संभाली प्रचार की कमान। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री लक्ष्मण डोभले बुधवार को पार्टी सांसद सुप्रिया सुले की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट में शामिल हो गए। सोलापुर जिले के पूर्व संरक्षक मंत्री डोभले भाजपा में शामिल होने से पहले अविभाजित रकांपा का हिस्सा थे। डोभले का शरद पवार गुट में शामिल होना महायुति गठबंधन के लिए एक झटका है। आई बढ़ते लिए खबर की ओर। झामुमो ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार देर रात 5 और सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। कुमे विधानसभा सीट से योगेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। वह हाल तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इस सीट से वह एक बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने विशुनपुर से मौजूदा विधायक चमरा लिंडा को एक बार फिर उतारा है। आई बढ़ते लिए खबर क्या। बुधनी में शिवराज के पुत्र कार्तिकेय ने संभाली प्रचार की कमान। एमपी के बुधनी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के प्रचार की कमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान ने संभाल लिया। वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों के अलावा सभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। राज्य में बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। मतदान 13 नवम्बर को होगा। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग एमएनएस न्यूज़। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच।